यो स्ले गैंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम आगे एक और धमाकेदार हॉन्टेड वीडियो के साथ, और आज हम देख रहे हैं दीज 8 स्केरीएस्ट घोस्ट वीडियोस विल डेफिनेटली हॉन्ट योर न्यू ईयर। और ये ली गई है स्केरी पिल्स के चैनल से। इनके चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट करो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, डॉल ऑफ बैड ड्रीम्स। इस वीडियो को जॉर्ज नाम के एक बंदे ने शूट किया था, जो अपने घर में पिछली ही रात को एक डॉल को अपने घर के अंदर लाए थे अपनी छोटी बहन के लिए। उस गुड़िया के घर में आने के अगले दिन से ही जॉर्ज और उनकी मॉम को काफ़ी स्केरी एंड अजीब अजीब चीज़ें महसूस करने को मिल रही थी, जो पहले कभी भी नहीं हुई थी उनके घर में। जैसे दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स का खुद से गिर जाना, लाउड फुटस्टेप्स आना एंड पूरे घर के अंदर वाइब्रेशंस का फैलना। उन्हें शक हो गया था कि शायद ये सब चीज़ें उस डॉल के कारण ना हो रही हों, क्योंकि डॉल्स वैसे भी पोजीशन का काफ़ी बड़ा कारण मानी जाती हैं। अगली रात को जॉर्ज उस डॉल को एक चेयर पर रख देते हैं एंड उसके सामने एक नाइट विजन कैमरा भी प्लेस कर देते हैं, एंड शॉकिंगली उस कैमरा फुटेज में कुछ काफ़ी स्केरी रिकॉर्ड भी हो गया। ये छोटी बहन के लिए अपनी डॉल लाए, कैमरे की तरफ आंखें होगी उसकी। भाई वो कैमरे में देख रही है। बस चलने लग जाइए। अचानक वो डॉल अपना हेड मूव करने लगती है, और अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो वो क्रीपी डॉल अपनी प्लास्टिक की आंखें भी खोलना शुरू कर देती है। इस वीडियो के बाद जॉर्ज सेड कि उन्होंने इस डॉल को जला दिया, एंड तब से चीजें शांत भी हो गई है उनके घर में। अगली बार आप भी कोई डॉल अपने घर में लाओ तो एक बार इस वीडियो को वापिस जरूर देख लेना। डॉल लाओगे ना, उसको भाई मंदिर जाके पूजा करवा के लाना, उसके ऐसे मत लेके आ जाना। बेचारा अपनी छोटी बहन के लिए डॉल लाया था भाई, पूरे घर को हॉन्टेड कर दिया उस डॉल ने, और क्या मुंडी घुमाई उसने कैमरे की तरफ। नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ स्पिरिट फैमिली। ये वीडियो बजफीड अनसॉल्व्ड पर फीचर हुई थी, एंड ये घोस्ट इन्वेस्टिगेशन वन ऑफ द मोस्ट स्केरी एंड एज द नेम सजेस्ट अनसॉल्व्ड है। इस इन्वेस्टिगेशन को रायन एंड शेन नाम के दो घोस्ट हंटर्स ने अंजाम दिया था। वैसे तो रायन एंड शेन काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं अपनी जॉब में, बट जिस बिल्डिंग में वो दोनों गए थे वहाँ पर माना जाता है कि सैली एंड उसकी फैमिली स्पिरिट्स आज भी उस पूरी बिल्डिंग को हॉन्ट कर रही है अलग अलग तरीकों से। एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रायन एंड शेन को काफ़ी इंटेलिजेंट एंड अमेजिंग आंसर्स भी मिलते हैं उन स्पिरिट से। Once again, the name is Ryan, as you already know, and hey! Say our names back to us if you want to communicate. We're going to be here all night, and frankly, if you want us to leave, now would be the time to do something crazy. Do you not like me moving your stuff out of the circle? Oh, shit! Sally! There's an opening now. Look what he done! Oh, I heard moved it. You want me to move it back? What? Sally, this is the last hurrah. You're gonna... Wake up? Just go? Sally, this is the last episode of this series. You're closing out the show, and you opened it. That's a huge honor. Why would you go? Why would you go? Well, we have to go. Yeah, we don't live. इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद वो इस अपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट बेडरूम्स एंड इवन किचन में भी जाते हैं, और एक फ्लैशलाइट के थ्रू उन स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। हैव अ लुक। इफ यू आर हियर, डू यू वांट टू हैव योर पिक्चर टेकन? व्हाट इज योर नेम? आई थॉट, ओह शिट, डिड इट से सैली? आई हर्ड सैली, ओह शिट। ओह सैली, हाउ ओल्ड आर यू? What? Something right now?
See any ghosts? No, I don't see any ghosts, actually. We're gonna switch over to this flashlight now. Sally, if you're in this room with us or aware of our presence, turn the flashlight on. If there's any... Sally, we're gonna need you to be a little bit more punctual than that. All you have to do is touch that light. Now, Sally, if you are here with us right now, turn that flashlight off in 3, 2, 1, off. Maybe it's not you. If any of the Finney family is with us right now, can you turn the flashlight off? Oh. I know it's annoying to have someone tell you to play the hits, but right now I'm gonna have to ask you, could you please play the hits and communicate with us through this flashlight? Please turn off that flashlight if there is somebody here with us in this kitchen right now. Sally, turn the light on. भाई ये बंद होगी ना? 3. ऐसे तैसी हो जाएगी मेरी. You really don't want this on your reputation later. बच गए. We really propped you up a bit there for a second. Is that you? No. Is that you, Sally? Can you do that again? Can you make that knocking noise again? Or could you move that flashlight? क्या सैली की स्पिरिट अपनी मौजूदगी अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए दिखाना चाह रही थी? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में? सबसे जो खतरनाक चीज इन बंदों ने करी ना भाई, भूत ना अपने जो सॉफ्ट टॉयज थे ना वो एक सर्कल में रखे हुए थे, इस बंदे ने उसको ऐसे फेंक दिया। भाई मजे ले रहे भूत से, बेटा भूत रे मजे लेने स्टार्ट कर देना इनसे, इनका काम हो जाएगा। और जो वो फ्लैश लाइट, भाई से उसने बोला कि सैली जो घोस्ट का नाम था उसको बोला भाई फ्लैश लाइट बंद कर, उसने फ्लैश लाइट बंद कर दी और जला दी। What lies beyond? आज की हमारी तीसरी होस्ट वीडियो मुंडरा व्लॉग चैनल से है, जिसके अंदर ये पैरानॉर्मल टीम एक काफी क्रीपी एंड हॉन्टेड माने जाने वाले फॉरेस्ट के अंदर अंधेरी रात में अपने कैमरा लेकर कुछ पैरानॉर्मल एंड होस्ट साइटिंग्स की तलाश में गए हुए थे। एंड अपने इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही पलों में दे कैप्चर्ड समथिंग रियली बिजार। वैसे अगर बारंदल भाई जंगल में जा रहे हैं रात में, नो मैचेस ये क्या था? एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर वहां पर विजिबल था जो कुछ ही सेकंड्स में डिसअपीयर भी हो गया। लेटर ऑन ये लोग एक ब्रिज क्रॉसिंग की तरफ पहुंच जाते हैं एंड अगेन दे नोटिस दैट स्केरी फिगर। आइरा भाई, आइरा 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 लोरे, ¿Dónde está la? Ey. Wow. ¿Dónde está la luz verde? Se ven como unos ojos. ¿Lo alcanzas a ver tú, Ernesto? Allá adentro, pero adentro. क्या थी वो चीज? कोई अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर, कोई रियल घोस्ट और समथिंग इवन मोर अनएक्सप्लेनेबल? यू डिसाइड। जब पहली क्लिप दिखी ना मुझे, अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, मेरे को लगा कुछ ऐसी है बकवास। और जब वो ब्रिज पे उस बंदे को देखा भाई, वो कुबड़ा सा क्या था वो, व्हाइट कलर का। Home of all ghosts. इस वीडियो को टेरर एलेक्स ट्रीमो की टीम ने शूट किया था जब वो वापस उस तो
को दिल्ली में रहता है क्या तुम में से? गाजियाबाद के पास तुम देखोगे ना ऐसे पहाड़ है कूड़े का, हमारे दिल्ली में सेम ऐसी है देखने। डेड ओपन एरिया में जाने पर मजबूर हो जाते हैं जहां पिछली बार उन्हें एक स्केरी वुमन फिगर देखने को मिली थी, और इस बार भी उस जगह में उन्हें कुछ अननोन एंड क्रीपी वॉइसेस के साथ साथ एक मिस्टीरियस फिगर भी देखने को मिली थी, विच इज अगेन प्रीटी प्रीटी टेरिफाइंग। बिजली चमकी ऊपर, वो इस तो नहीं भाई साहब, मैं छीक आ गई मेरे को आवाज सुन के, वो इस तो नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? क्या उस ओपन एरिया को हमेशा के लिए अबैंडन्ड कर देना चाहिए इन पैरानॉर्मल चीजों के कारण? व्हाट्स योर जेन्युइन थॉट अबाउट दैट? ये तो वैसी लग रहा है जैसे वो ब्रिज पता बंदा, वाइट और अजीब सा भयानक। नंबर 5, डॉल ऑफ नाइटमेयर्स। ये वीडियो भी एक टिकटॉक वीडियो होने वाली है जिसके अंदर एक व्यक्ति जस्ट रिसेंटली एक ऑक्शन से एक हॉरर फिल्म सेट पर यूज करी गई हुई डॉल को अपने घर ले आते हैं, एंड लिटिल डिड ही नो वो डॉल शायद अपने साथ किसी और को भी ले आती है, अपने बॉयफ्रेंड को ले आई। भाई शक्ल देखो इसकी, कौन ऐसी चीजों को ऑक्शन में खरीद के लाता भाई? कौन ला सकता है ऐसा? बोले ऐसी चीज तुम्हारे घर में पड़ी है, तुम कैसे रह सकते हो उस घर में भाई? तुम मेरे तो समझ से बाहर है। क्या इस क्रीपी डॉल मोमेंट के पीछे कोई और भी कारण हो सकता है, या फिर शी वाज रियली हॉन्टेड? अपनी राय देना बिल्कुल मत। ओ भाई साहब, ये भाई ये डॉल अपने आप घूम रही है, मेरे को लगा सेट पे थी तो इसके नीचे को मैकेनिज्म है जो इसको रोटेट कर रहा है, भाई ये तो अपने आप घूम रही है। क्या इस क्रीपी डॉल मूवमेंट के पीछे कोई और भी कारण हो सकता है, या फिर शी वाज रियली हॉन्टेड? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 6, अ लॉयल कस्टमर। ये वीडियो फ्लोरिडा थिएटर में रिकॉर्ड करी गई थी जो जैक्सनविले फ्लोरिडा में मौजूद है। इस क्रीपी फुटेज को वहीं पर रिकॉर्ड करा गया था एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, और अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो दिखाते हैं कि इवन थिएटर के प्रॉपरली बंद हो जाने के बावजूद कैसे वहां अंधेरे में एक फिगर उस जगह में मौजूद थी जो बंद थिएटर के अंदर क्या देखने आई थी स्टिल वेरी अनआइडेंटिफाइड। As camera operator Chrissy Sellers zoomed into the balcony, it looks like there's somebody sitting in this seat. If you watch carefully, you can see him moving slightly. There was nobody else in the auditorium at this time, except us, and we were all on the stage. Here's another shot taken at the same area just a few seconds before. You can see on the left side, there's somebody sitting there. In the right, there isn't. Bhai Saab. Now watch this sequence of videos taken only a few seconds apart. You can gradually see the person forming in the seat. In this first shot, there's nobody there. In this shot, it looks like there's something starting to appear. Finally, there he is. You can even see his head turn. सो वो स्केरी घोस्टली अपैरिशन आखिर थी किसकी? क्या वो कोई रियल डेड पर्सन की स्पिरिट थी, या फिर जस्ट अ कैमरा एरर? आपको क्या लगता है? भाई एक अबैंडन्ड मूवी थिएटर में जाना, वो भी इतने बड़े में, वो भी रात को,
और वहां पे एक फिगर फॉर्म हो जाए और वो तुम्हारे कैमरे की तरफ अपनी मुंडी घुमा के देखे। जरूर बताइएगा। नंबर 7, वुमेन ऑफ हॉरिफाइंग ड्रीम्स। ये वीडियो कासा डोरेस द सोमरेस चैनल से है, जिसके अंदर इस बार ये टीम एक अबैंडन एंड स्केरी चर्च के अंदर घोस्ट हंटिंग करने गई हुई थी। कुछ पिछली काफ़ी वीडियोस में भी इनके साथ यहाँ पर काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एंड बिजार चीज़ें हो चुकी हैं, और इस बार भी उस जगह को एक्सप्लोर करते वक्त वो देखते हैं कि वहाँ के एक पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। एंड जब वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने गए तो कुछ ऐसा भी हो जाता है उनके साथ। तलवार लेके जा रहे हैं। एक वाइट वुमेन उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल से कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक रियल विच की साइटिंग मानी जा सकती है। बाकी वीडियो देखकर आपको क्या फील हुआ? क्या वो कोई घोस्ट है या फिर एक रियल ब्लैक मैजिक परफॉर्मिंग विच? भाई बस CGI डाल रखे हैं, देखो ना। मेरे ख्याल से तो ये सब एक्टिंग है, पर भाई बहुत अच्छी एक्टिंग है। मतलब डरावना लग रहा था मेरे को, और स्पेशली ये देखो ना, जो ये वाला पार्ट हुआ, तलवार लेके जाएगा, वो तलवार जब ब्लू चमकी ना, तब मेरे को पता लग गया फेक है। और जब उसे गोली चलाई थी और वो विच ने पता नहीं क्या किया, ये वाला पार्ट स्टार वॉर्स। ये वाला पार्ट भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम्हारे सामने चुड़ैल है, तुम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाके उसको मारोगे, है ना? एकदम पास जाके उसके मारोगे या दूर से मारोगे? तुम खुद बताओ। मतलब तुम्हारा क्या, मतलब दिमाग क्या कहता है भाई? ऑब्वियसली बात है, तुम दूर से मारोगे, इतनी पास जाके भूतनी के पास या चुड़ैल के पास कौन मारता है? पीपल से कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक रियल विच की साइटिंग मानी जा सकती है। बाकी वीडियो देखकर आपको क्या फील हुआ? क्या वो कोई घोस्ट है या फिर एक रियल ब्लैक मैजिक परफॉर्मिंग विच? डू कमेंट योर ओपिनियंस बिलो। तो गाइस, ये थी आज की अमेजिंग वाली स्केरियस्ट घोस्ट वीडियो दैट विल डेफिनेटली हॉन्ट योर न्यू ईयर। वैसे तो अभी 8 दिन है न्यू ईयर में, बट भाई बहुत डर लग गया मेरे को आज ये वीडियो देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्केरी पिल्स के चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, को जाकर चेकआउट करो, इनको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और गाइस, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो और आप चाहते हो मेरे साथ ऐसे और बहुत सारी हॉरर वीडियो देखने की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।